होम मिनिस्टर ने देवसांग में गलवान वैली में जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती डेपसांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहां पर वो चीन की फौज कहां तक आ गई, सिर्फ इंटरव्यू देने राजनाथ सिंह। अरे राजनाथ सिंह और मोदी प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाइए ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से, तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप, हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को देश को यह बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया, और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है? एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने टू फ्रंट वॉर की बात की। जब टू फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है? नहीं है, सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है, क्या डायरेक्टिव है कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का एम्यूनेशन है लड़ने के लिए? टू फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है, आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे? क्वाड क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं इनके पास नहीं है। आप साजो सामान, जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल है, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महास पर राजनाथ सिंह साहब जो टू फ्रंट वॉर की बात करते, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना, आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। अरे नेकी और पूछ हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे हमको लेके मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना, क्यों नहीं बात ही नहीं कर रहे? 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है, अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा जब बर्फ पिघल जाएगी फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना, आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए हमारे को, छोड़िए हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं छोड़िए, जो भी है आपको लेकर जाइए। आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तायीद भी करते हैं, आप लोग आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है।